एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलैंड स्थित बीबीपुर गांव पड़ा। लगभग 4600 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान शबाना है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करता यह गाँव वर्तमान समय में बेहतर स्थिति में नजर आता है। लगभग 2800 की कुल वोटर संख्या वाला यह गाँव शांत आंचल में बसा हुआ गाँव है। साथ ही साथ यहाँ वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में इस गाँव में लगभग 34 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही साथ 60 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी इस गांव में लगवाए गए हैं। बात अगर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन के लाभार्थियों की करें तो उनको भी ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने कैमरे के सामने आकर बताया कि उनके द्वारा गांव में सड़कों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही साथ ग्रामीणों की सुविधा के लिए शौचालय भी बनवाए गए हैं जिससे ग्राम को शौचमुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शौचालय यानी कि इज्जत घरों को ग्रामीणों में वितरित किया जा चुका है। इसी के साथ सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों का आवंटन भी किया जा चुका है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार जल्द से जल्द उनके स्कूल में जूनियर हाई स्कूल की भी व्यवस्था कराए जिससे हमारे नौनिहालों का भविष्य बेहतर हो सके। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में पंचायत भवन, अस्पताल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार जल्द से जल्द इसके लिए फंड दुरुस्त कराए जिससे वे अपने गाँव में इन सुविधाओं को ला सके। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की भी स्थिति को ठीक करें। पायमल्ली नाम है मेरा, ग्राम बीबीपुर, ब्लॉक छजलैंड, तहसील कांट, जिला मुरादाबाद। हाँ, हमारी मांग ये है कि सड़कें हमने बनवा रहे हैं, जो हम पर धन आ रहा है उसका, शौचालय हमने बनवाए हैं, 150 शौचालय मेरे गांव में आए हैं। और आप मांग है, हमें अस्पताल को बहुत दूर जाना पड़ता है, एक जूनियर स्कूल की मांग है, एक आंगनबाड़ी केंद्र की है। सरकार से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है बस। हमारे पास मंदबा आंगनबाड़ी का सेंटर हमारे पास है नहीं और हमें स्कूल से ही कमरा मिला हुआ है, एक उसी में हम बैठते हैं। 3 सेंटर है हमारा, एक ही कमरे में चलाते हैं। तो फिर अब आज हमारा बूथ है, आज प्रधान जी के घर पे